नमस्कार, मैं सविता शेखावत, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं दम बिरयानी बनाने जा रही हूँ। इसमें मैंने अंडे का प्रयोग किया है। अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो आप उसकी जगह पे काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। काजू को आप अंडे की तरह ही थोड़ा फ्राई करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिरयानी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो आप भी इसे जरूर बनाएं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंडा बिरयानी बनाने के लिए हमने दो बड़े प्याज लिए हैं। इसको हमने पतले लंबे पीस में काट लिया है। एक प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है। अंडे लिए हैं 5। इसको हमने बॉईल करके इनका छिलका निकाल लिया है। दही ली है 1 कटोरी। ये हरा धनिया लिया है, इसको हमने बारीक काट लिया है। 1.5 बड़े चम्मच हमने घी लिया है। 2 बड़े आकार के टमाटर को हमने बारीक चॉप कर लिया है। खड़े मसाले लिए हमने काली मिर्ची, लौंग, तेज पत्ता, लाल मिर्ची, पत्थर फूल, बड़ी इलायची और छोटी इलायची। ये हमने हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। मुट्ठी भर हमने किशमिश ली है। चावल लिए हमने 300 ग्राम बासमती। इनको हमने हाफ बॉईल कर लिया है। आधा हम इनको दम पे पकाएंगे। तेल लिया है प्याज को फ्राई करने के लिए। जीरा लेंगे 1 छोटा चम्मच। धनिया पाउडर लेंगे 1 से 1.5 चम्मच। मिर्ची पाउडर भी 1 से 1.5 चम्मच। हल्दी पाउडर 1 चम्मच। नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालकर तेल को गर्म करेंगे। ये देखिए, हमने तेल कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसको हम गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर प्याज डाल रहे हैं। प्याज को डालकर हम डार्क ब्राउन होने तक भून लेंगे। बिरयानी में भुनी हुई प्याज का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए हम बिरयानी के अंदर भुनी हुई प्याज डालते हैं। ये देखिए, प्याज एकदम लाल कलर की हो गई है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। प्याज को निकालते समय प्याज को किनारे पे लगा के उसका पूरा तेल निकाल दें, फिर प्याज को बाहर निकालें ताकि इसके अंदर ज़्यादा तेल ना आए। ये देखिए, हमने प्याज पूरे निकाल लिए हैं। अब हम इसी तेल के अंदर अंडे फ्राई करेंगे। अंडे को ऐसे एक एक करके इसके अंदर छोड़ दें और उनको चम्मच से लगातार चलाते हुए फ्राई करें ताकि अंडे कढ़ाई में चिपके नहीं। अंडे को हम हल्का लाल होने तक ही फ्राई करेंगे और इनको हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम घी डाल लेंगे। ये देखिए, घी डाल लिया है। इसको हम गर्म कर लेंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसके अंदर जीरा डाल रहे हैं। जीरा डालकर हम हल्का लाल होने तक भून लेंगे। जीरा भून चुका है। अब इसके अंदर हम खड़े मसाले डालेंगे। ये हमने तेज पत्ता डाल दिया है। लाल मिर्ची डाल देंगे, पत्थर फूल डाल देंगे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और लौंग, सभी मसाले डालकर इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मसाले अपना फ्लेवर छोड़ दें। खड़े मसाले भी भून चुके हैं। अब इसके अंदर प्याज डालेंगे, जो हमने पहले से ही बारीक चॉप करके रख ली थी। प्याज को अच्छे से चला देंगे ताकि चारों तरफ से प्याज एक जैसी भून जाए। इसको हम हल्का लाल होने तक भून लेंगे। ये देखिए, प्याज भून चुकी है। अब इसके अंदर मसाले डालेंगे। ये हमने हल्दी डाल दी है, लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है और धनिया पाउडर भी अभी डाल देंगे। इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम 30 से 40 सेकंड तक भून लेंगे। ये देखिए, हम हरी मिर्ची का पेस्ट डाल रहे हैं। इसको डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सभी मसाले एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि कढ़ाई में चिपके नहीं, और इसको हम अच्छे से भुनने देंगे। जब ये तेल छोड़ देगा तब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। ये देखिए, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर टमाटर डाल रहे हैं। टमाटर को डालकर हम इसको नरम होने तक पकाएंगे। टमाटर डालने के बाद हम मसाले को थोड़ी देर ढककर पकाएंगे ताकि टमाटर जल्दी पक जाए। ये देखिए, टमाटर थोड़े पक चुके हैं। अब इसके अंदर दही डाल रहे हैं। दही डालने के बाद हम ग्रेवी को लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि दही इसके अंदर फटे नहीं। अगर दही फटेगी तो हमारी ग्रेवी देखने में अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए, दही डालने के बाद ग्रेवी का कलर कितना अच्छा हो गया है। ग्रेवी में दही डालने से बिरयानी का टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाता है। अब हम ग्रेवी को लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। ग्रेवी थोड़ी पक गई है। अब इसके अंदर नमक डाल रहे हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। नमक डालने के बाद हम ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ग्रेवी के अंदर नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। लगभग 5 मिनट पकने के बाद ग्रेवी गाढ़ी हो गई है और पूरा घी ग्रेवी के ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे, जो हमने पहले से ही बारीक चॉप करके रख लिया था, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
चम्मच की सहायता से पूरा ऐसे मिक्स कर देंगे। बिरयानी के लिए ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम इसमें से आधी ग्रेवी निकाल कर एक साइड रख लेंगे, जो कि हम बाद में चावल की लेयर लगाने के लिए काम में लेंगे। ये देखिए, हमने ग्रेवी को निकाल लिया है और बाकी की ग्रेवी को हम ऐसे कढ़ाई में फैला लेंगे। ग्रेवी फैलाने के बाद हम इसके ऊपर से चावल की लेयर लगाएंगे। इसमें हम आधे चावल की लेयर एक बार लगा देंगे। ये देखिए, हमने चावल की लेयर अच्छे से लगा दी है। अब हम इसके ऊपर भुने हुए प्याज डालेंगे, जो हमने फ्राई करके रख लिए थे। इसको हम चावल के ऊपर अच्छे से डाल लेंगे। प्याज को हमने डाल दिया है, अब इसके ऊपर धनिया डाल रहे हैं। ये देखिए, हमने धनिया भी डाल दिया। अब हम थोड़ी सी किशमिश भी इसके अंदर डालेंगे। अब इसके ऊपर से अंडे को रखेंगे। अंडे को हमने दो हिस्सों में काट लिया है। पूरे अंडे ऐसे रख लेंगे। ये देखिए, हमने सभी अंडे इसके ऊपर लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर से हम ग्रेवी डालेंगे। चारों तरफ फैलाते हुए ऐसे अंडे के ऊपर डालकर हम इसको, ये देखिए हमने ग्रेवी इसके ऊपर डाल ली है और थोड़ी सी ग्रेवी हमने बचा ली है। इसके ऊपर हम चावल की लेयर लगाएंगे। ऐसे ही पूरे चावल इसके ऊपर से ढक लेंगे। ये देखिए, हमने दूसरी लेयर भी अच्छे से लगा दी है। वापिस हम इसके ऊपर प्याज डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, बची हुई ग्रेवी भी हम इसके ऊपर आधी डाल लेंगे। ग्रेवी डालने के बाद हम इसको चावल से वापिस लेयर लगा देंगे। ये देखिए, हमने पूरे चावल की लेयर लगा दी है। अब हम प्याज को पूरा इसी के ऊपर डाल देंगे। देखिए, पूरी प्याज इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे। बची हुई ग्रेवी भी पूरी इसी के ऊपर डालकर फैला देंगे। ये देखिए, पूरी ग्रेवी इसी के ऊपर डाल दी है। थोड़ी सी किशमिश जो बची हुई है वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहे तो इसके अंदर और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे ऊपर से। नमक आपको ग्रेवी में कम लगे तो ही डालना है, वरना नहीं डालना है। ये देखिए, बिरयानी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसके ऊपर फॉइल ढककर इसके अंदर भाप बनने देंगे। फॉइल ढककर हम इसको एकदम पैक कर देंगे और ऊपर से इसके प्लेट ढक देंगे। ये देखिए, हमने इसके ऊपर से प्लेट ढक दी है। अब हम इसको सीधा नहीं पकाएंगे, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और फिर आगे देखिए इसको कैसे पकाएंगे। ये देखिए, हम गैस के ऊपर तवा रख लेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। अब हम तवे के ऊपर कढ़ाई को रखेंगे और इसको हम 20 मिनट तक दम पे पकने देंगे। जब 20 मिनट हो जाएगी तो हम गैस को बंद कर देंगे और 10 मिनट तक इसको ढका हुआ ही रहने देंगे, जिससे यह बिरयानी एकदम सॉफ्ट और खिली खिली बनती है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं। ये बिरयानी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप मेरे वीडियो को मेरी वेबसाइट savitasikhao.com पर भी पढ़ सकते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद हम इसको खोल रहे हैं। ये देखिए, हमारी बिरयानी कितनी अच्छी बनी है। ये अंदर तक पूरी मसाले के अंदर मिक्स हो गई है। ये बिरयानी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बिरयानी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।